सो हे वेलकम टू दिस अन्य एपिसोड विद मी आर शी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पी आई बी एम पुण के बारे में रिव्यू लोड ऑफ कॉलेजेस इन पुणा राइट फ्रॉम बालाजी टू एम एन आई थिंक इंडास टू आई एस बी एन एम एन आई थिंक दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दॉ कॉलेज विच इज बी आस बाई लोड स्टूडेंट्स सो बिफोर मेकिंग दिस वीडियो यस आई हे विन ट्रेक विद कपल ऑफ स्टूडेंट सो एम गिव यू अजस्ट अबाउट दिस इंस्टीट्यूशन स्टार्ट इड टॉकिंग अबाउट पी आई बी एम पुणे राइट एंड सबसे पहले अगर हम बात करें पी आई बी एम की तो इट व्लिश इन द ईयर टू थाउजेंड एंड सेवन राइट ये एम बी ए भी कराता है और ये पी जी डी एम भी कराता है एम बी ए जो है वो सावित्री भाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है और पी जी डी एम जो है वो बेसिकली ए आई सी टी अप्रूव्ड है उसके साथ साथ नाक का बी ग्रेड है दैट इज ऑल्सो समथिंग विच आई एट राइट एंड दैट्स ऑल अबाउट अफिलिएशन एंड अक्रोडेशन हालईच में पी आई बी एम प्राइवेट कॉलेज है ए आई सी टी अप्रूव्ड है कई सारी स्पेशलाइजेशन ये कॉलेज कहीं ना कहीं ऑफर करता है एंड ऑल इन ऑल आई मीन अगर हम बात करें ये कुछ इंटरनेशनल कोलेब्रेशन इसको लेकर मेरा डिटेल में डिस्कशन नहीं हुआ है तो दैट इज़ अ रीज़न आई वोम एबल टू टेली यू अबाउट दिस बट ऑल इन ऑल काफ़ी सारी चीज़ें हैं मैं आपको बताने वाली हूँ तो सबसे पहले राइट right, जैसे स्टूडेंट्स में बात करी थी पी इज इन सेकेंड ईयर राइट right. थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में कॉलेज है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है बट दे स्टार्टेड डेवलपिंग जैसा अभी रिसेंटली दे हैव यू नो कैंटीन उन्होंने नया किया है बास्केटबॉल पीछे कॉलेज के एन ऑल दीज थिंग्स तो कहीं ना कहीं दे आर यू नो इम्प्रूविंग इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बट ऐसा नहीं है कि यू नो बहुत ज़्यादा यू uh, नो you know, आपको वाइड कैंपस और वैसा कुछ मिलेगा राइट right? सो so, अगर हम बात करें स्पेशलाइजेशन uh, की मार्केटिंग फाइनेंस एच आर अप्लाइड बिजनेस एनालिटिक्स ऑपरेशन एनालिटिक्स ये सारी चीज़ें हैं एम बी इन फिनटैक कराता है राइट right? जो कि सावित्री बाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी से है दैन एम बी मार्केटिंग फाइनेंस एच आर एग्री ऑपरेशन एनालिटिक्स और एम बी ए इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी जो है वो मिल जाएगा राइट right? तो आई थिंक अगर हम हॉस्टल की बात करें तो इलेवंथ मंथ का हॉस्टल का जो फीस रहता है दैट इज़ वन लाख थर्टी फाइव थाउजेंड फीस वैसे आगे दी होगी हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे पर अभी आई थिंक हम बात कर लेते हैं यू नो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे सारे एंट्रेंस एग्जाम कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट एक्सेप्ट uh, करता है देन आपको उनका फॉर्म फिल करना पड़ता है यू गो फॉर दिस इंटरव्यू प्रोसेस और उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं सिलेक्शन होता है सो एडमिशन इज बेसिकली नॉट दैट डिफिकल्ट दे एक्सिस्टिंग कॉल पी मार्ट विच इज पी आई बी एम एप्टीट्यूड टेस्ट ऑल्सो जो कि वो एक्सेप्ट है अगर आपने कैटैट या कोई दूसरे कहीं ना कहीं नहीं दिए हैं जी डी पी आई एंड ऑलरेडी टोल्ड यू सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है अगर हम ट्यूशन फीस की बात करें तो आई थिंक रजिस्ट्रेशन फीस फिफ्टी थाउजेंड है, तो है जिसमें से अगर मैं काउंट करूँ तो फोर्टीन सेवन uh, सेवन लाख फोर्टी फाइव थाउजेंड ये फीस है राइट एंड फिफ्टी थाउजेंड वो मिला ले तो सेवन लाख फोर्टी फाइव एट लाख तो एट लाख के आसपास का सिर्फ फीस स्ट्रक्चर है एज पे स्टूडेंट जिससे मेरी बात हो रही थी शी मैंशन मी अ फीस स्ट्रक्चर ऑफ एट लाख येस एंड वन लाख थर्टी फाइव थाउजेंड यू नो इलेवन मंथ का हॉस्टल है जिसमें आपको खाना वाना सब चीज़ मिलता है तो ओवरऑल अगर हम एट लाख प्लस हम डेढ़ लाख डेढ़ लाख हॉस्टल मिला लें तीन लाख तो इट्स लाइक ग्यारह लाख का इन्वेस्टमेंट है इफ इफर गेटिंग इन टू दिस स्पेसिफिक कॉलेज फॉर और पीजी डी में इनकी दोनों की फीस कहीं ना कहीं सेम है सो दिस इज बेसिकली द कैंपस लाइफ राइट आई थिंक जिम, दिस इज आई थिंक कॉन्फ्रेंस रूम लाइब्रेरी राइट तो क्लास रूम सो दिस इज बेसिकली द कैंपस बैच प्रोफाइल से पहले अगर हम बात करें तो फैकल्टीज को लेकर स्टूडेंट का कहना है फैकल्टीज काफी अच्छी हैं स्ट्रिक्ट है कॉलेज राइट बट इट कम्स टू एजुकेशन ऐसा नहीं है कि दे आर लाइक वेरी लीनियंट तो ये भी मुझे ऐसा लगता है मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी कि स्ट्रिक्ट होना चाहिए बिकॉज होता क्या है कि हमने ग्रेजुएशन तक उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया होता है इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल एजुकेशन तो दिस इज समथिंग वट कॉलेज फोकस बट यूजअली क्या होता है कि लगे अगर आपकी लिस्ट में पी आई बी एम है तो अन हंड्रेड एंड टेन परसेंट श्योर हो सकता है आपकी लिस्ट में पैरली लेक्सिकन भी हो सकता है इंडस्ट भी हो सकता है बायलॉजी भी हो सकता है एंड आई एस बी एन एम भी हो सकता है बट कन्फ्यूजन वहाँ बेस आता है कि यू you नो know, मुझे एक्जैक्टली exactly क्या चाहिए डी वाई पाटिल हो सकता है तो ऐट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको लगता है कि नहीं मैं कन्फ्यूज हूँ मैं नहीं डिसाइड कर पा रहा हूँ कि मेरी प्रोफाइल के हिसाब से बिकॉज एट दी एंड ऑफ द डे यू नो एक कॉलेज जो है वो वेरी करता है फ्रॉम प्रोफाइल टू प्रोफाइल एंड यू वन नो अबाउट दैट उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं सो यू नो अगर हम प्रोफाइल uh, के अलावा बात करें तो आई थिंक uh, ये बेसिकली ऑप्शंस इन मार्केटिंग फोर्टी प्लस ऑप्शंस इन फाइनेंस ट्वेंटी प्लस ऑप्शंस इन एचआर आर फिफ्टीन प्लस फिफ्टी थ्री परसेंट मेल हैं फोर्टी सेवन परसेंट फीमेल हैं बच इज़ क्वाइट यू नो इक्वल रेशो एंड ये सारे प्लेसमेंट्स हैं तो अगर हम टॉप रिक्रूटर से पहले अगर हम बात कर लें इंटर्नशिप प्रोवाइड करता है दो इंटर्नशिप एक होती है यू नो विंटर इंटर्नशिप राइट वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। वो ज़्यादा प्रोफाइल जो है सेल्स की आती है। हैं एंड मेजोरिटी ऑफ इंटर्नशिप जो है वो अनपेड होती है एक समर इंटर्नशिप होती है वो दो महीने की होती है राइट एक्स्ट्रा करिकुलर बहुत ज़्यादा नहीं है पर पढ़ाई जो है वो एज पर स्टूडेंट्स जो है वो अच्छी है क्लब्स नहीं है एज़ पर स्टूडेंट्स एक प्लेसमेंट क्लब है बट उसके अलावा बहुत ज़्यादा एक्टिव क्लब्स नहीं है एंड आई थिंक इंटर्नशिप मैंने आपको बता दिया फैकल्टीज आपको बता दिया एंड अगर हम प्लेसमेंट्स uh, की बात करें तो ये कुछ जॉब प्रोफाइल्स हैं जो उन्होंने 23 के लिए मैंशन किए बिजनेस एनालिटिक्स प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोडक्ट मैनेजर अंडर राइटिंग फाइनेंशियल एनालिसिस बिजनेस डेवलपमेंट एंड ऑल दीज थिंग्स प्लेसमेंट सात लाख क्लेम कर रहे हैं मुझे जो स्टूडेंट ने प्लेसमेंट बताया है वो छः uh, सात के बीच का बताया है और उसमें भी मीडियम पैकेज ज़्यादातर बच्चों को मिला है वो छः लाख स्टूडेंट का ये कहना है कंपनीज आती हैं एच आर के लिए उतना अच्छा नहीं है बट मार्केटिंग फाइनेंस के लिए आप देख सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंपनी से बात करें के पी जी भी के पी एम जी आती है पीडब्ब्ल्यू सी भी आती है बाकली भी आती है राइट फेडरल बैंक आई थी तेरह लाख का पैकेज के साथ बट ऑल इन ऑल अगर हम मीडियम पैकेज की बात करें तो दैट इज सिक्स लाख राइट एंड आई थिंक हाईस्ट एज पर स्टूडेंट फिफ्टीन लाख उसने मैंशन किया बट हेयर इट इज़ लाइक फोर्टीन लाख मैंशन है ये ट्वेंटी थ्री की प्लेसमेंट्स की मैं बात कर रही हूँ सेवन इन्होंने मैंशन किया है स्टूडेंट के हिसाब से सिक्स Uh, के आसपास का मीडियम पैकेज है बाकी फिनेंस और मार्केटिंग के लिए कंपनीज हैं क्लब्स ये मेंशन है बट क्लब्स आर नॉट दैट एक्टिव एज पर स्टूडेंट कमिटी कमिटीज अब प्लेसमेंट कमेटी एक्टिव है राइट बाकी फैकल्टीज काफी अच्छे हैं जैसे स्टूडेंट ने बताया मैं इसको अपना वर्जन देती हूँ कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए तो इन शॉर्ट मैं अगर आपको बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा आर एक चीज है जो आप देख सकते हो फैकल्टीज uh, को लेके अच्छा है कंपनीज़ का प्रोफाइल भी लाइक like, मिक्स है मार्केटिंग के लिए सेल्स भी आती हैं इन जनरल भी आती है फाइनेंस के लिए भी कोर कंपनीज आती हैं ओवरऑल आती हैं तो अगर आप यू नो इन जनरल देख रहे हो तो मेरे साथ ठीक ऑप्शन है बट डिपेंड करता है लिस्ट में और कौन से ऑप्शंस है बिकॉज हो सकता है आपकी लिस्ट में कई सारे ऐसे कॉलेजेस हों जो सेम फीस में सात लाख का या आठ लाख का या इवन नौ लाख का पैकेज भी ऑफर कर रहे हो तो वहां पे पिक्चर आती है और ऑल्सो स्पेशलाइजेशन एंड वट यू एग्जैक्टली लुकिंग फिर कॉलेज उसके लिए नीचे एक फॉर्म का लिंक दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं दिस वॉज मी आशी खान साइनिंग ऑफ मिलते हैं के साथ आई होप यू लाइक दिस वीडियो फॉर सच वीडियो सब्सक्राइब